कुशल पंजाबी की अचानक सुसाइड की न्यूज से भले ही टीवी स्टार्स शॉक में हो, लेकिन उनके करीबी और उनके आसपास के लोगों को शायद इस बात का अंदाजा हो गया था कि कोई ना कोई अनहोनी जरूर होने वाली है। और इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई कुशल की लास्ट पिक्चर कहीं ना कहीं उनके आखिरी पलों की कहानी बयां कर रही है, क्योंकि इस आखिरी तस्वीर में ही छिपी है कुशल के खुदकुशी की असली कहानी। आपको बता दें कि बांद्रा पुलिस ने इस बात की कंफर्मेशन दी है कि कुशल ने सुसाइड किया है और उन्हें घर से सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक फांसी से लटके मिले शव को पोस्टमार्टम के लिए बांद्रा के हॉस्पिटल में भेज दिया गया है और पुलिस ने इस बात की कंफर्मेशन की है कि सुसाइड नोट से साफ है कि कुशल मेंटल प्रॉब्लम से परेशान थे। कुशल ने मरने से पहले डेढ़ पन्ने का सुसाइड नोट लिखा है जो इंग्लिश में है। वहीं मौके पर मौजूद सोर्सेस की माने तो कुशल ने अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। साथ ही उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी को दो हिस्सों में भी बांटा है। उनकी 50% प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स के नाम की है, जबकि 50% प्रॉपर्टी अपने 3 साल के बेटे के नाम की। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कुशल किस बात को लेकर मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। दरअसल स्पॉट बॉय की खबर की माने तो कुशल की वाइफ अपने बेटे कियान को लेकर इन दिनों शंघाई में है और कुशल इसी बात से काफी परेशान थे। आपको बता दें कि कुशल ने साल 2015 में ऑड्रे डोले नाम की महिला से शादी की थी। इन दोनों ने 2015 में गोवा में बीच वेडिंग की थी। कुशल और ऑड्रे का एक बेटा भी है जिसका नाम है कियान, और कुशल अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और अक्सर अपने बेटे के साथ फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। वहीं कुशल के करीबी दोस्त और टीवी एक्टर चेतन हंसराज ने भी कुशल के अपनी शादी के चलते परेशान होने की कंफर्मेशन दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चेतन ने कहा, हाँ उसने आत्महत्या की है, वो अपनी पत्नी से अलग होने के दुख से जूझ रहा था, साथ ही वो पिछले कुछ समय से बीमार भी था। मैंने कुछ दिन पहले ही उससे बात की थी और उसने मुझे बताया था कि वो इस वजह से काफी डिस्टर्ब्ड है। मैंने उसे काफी समझाने की कोशिश की थी कि उसे इन सब परेशानियों से दुखी नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कोई कदम उठा लेगा। साफ है कि कुशल पंजाबी अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो उनसे लाखों किलोमीटर दूर अपनी माँ के साथ शंघाई में थे। इसी के साथ कुशल अपनी मैरिड लाइफ से भी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहे थे। और अगर आप कुशल के इंस्टा पर भी एक नजर डालेंगे तो आपको साफ साफ ये दिखेगा कि उनके अकाउंट में सिर्फ दो ही चीजें नजर आती थी, उनके बेटे की पिक्चर्स या फिर उनके फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस एंड पिक्चर्स। लेकिन कुशल सबसे ज्यादा अपने बेटे से दूर होने की वजह से परेशान थे और जरूर उन्होंने बेटे की जुदाई में खूब आंसू भी बहाए होंगे। लेकिन जब कुशल इस गम से नहीं उभर पाए तो उन्होंने आखिरी लम्हों में अपने बेटे को याद कर इंस्टा पर उनके साथ अपनी इस आखिरी पिक्चर को पोस्ट किया होगा और फिर उन्होंने मौत को गले लगा लिया होगा।